हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सभी। तो देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे जो आज का क्वेश्चन, जो एग्ज़ाम हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर है गर्ल्स का, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी यही पेपर आपको कल देखने को मिलेंगे। इसमें से कुछ क्वेश्चन सेम रहेंगे, बाकी सारा इसमें से ही आएगा, ठीक है। तो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन कर ले, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की प्रमुख कारणों और इससे नियंत्रण करने में रिकॉर्ड एक को प्रस्तुत करें। दूसरा क्वेश्चन है, जबकि कृषि उत्पादन और उत्पादकता में सुधार हुआ है, कृषि रूपांतरण पूर्ण नहीं हुआ है, क्या आप इससे सहमत है, समझाइए। तीसरा क्वेश्चन है, कृषि में प्रतिकूल आपूर्ति आघात और सकल घरेलू उत्पाद रोजगार में वृद्धि करने के लिए विनिर्माण क्षेत्र की विफलता भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने दो चुनौतियाँ, इससे संबंधी महत्वपूर्ण मुद्दों की व्याख्या करते हुए विस्तार से बताइए। उसके बाद आपका चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत को ऐसे रोजगार सृजित करने की आवश्यकता है जो सुव्यवस्थित उत्पादक हो, जिनमें व्यापक सामाजिक परिवर्तन की क्षमता हो और जो निर्यात और विकास उत्पादन कर सके। परिधान और फूड वियर क्षेत्रों के संबंध में इस कथन की व्याख्या करें। पांचवा है, औद्योगिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र की औचित्य क्या थे, इस क्षेत्र का प्रदर्शन कैसा रहा। छठा क्वेश्चन आपके सामने, क्या सेवा क्षेत्र भविष्य में समग्र विकास और रोजगार सृजन में एक प्रमुख भूमिका निभा सकता है। ये आपने अगर बुक पढ़ी होगी तो आप अपने शब्दों में जवाब दोगे, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट भी दिखाता हूँ आपको। सातवां क्वेश्चन है, छठा है, सेवा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेश निवेश को कैसे प्रोत्साहित किया जाता है। सातवां, यह माना जाता है कि भारत द्वारा हाल ही में अपनाई गई अंतर्मुखी नीतियाँ सफल नहीं हो सकती, किन चुनौतियों पर चर्चा होती है। आठवां है, निम्नलिखित में से कहीं दो विषयों पर टिप्पणी करने में टिप्पणी का एक सेक्शन आएगा, मौद्रिक नीति संचरण, आधुनिक पारंपरिक सेवा क्षेत्र, भूमि सुधार और भारत में प्रत्यक्ष विदेश निवेश। तो इस टाइप के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इको पॉलिसी जो सेकंड वाला पेपर है। बाकी वीडियो कैसे लगी, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।